तो दोस्तों देख रहे हैं फ्लेम फ्लोर माउंटेन कैबिनेट है, ये वॉश बेसिन का स्टेन है। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं इसे टेबल वॉश बेसिन भी कहा जाता है। ये आपका हो गया मिलर यानी शीशा हो गया जिसमें चेहरा देखा जाता है, और ये आपका हो गया वॉश बेसिन जिसको आज हम फिट करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों पहले इसको हम बाहर निकालेंगे और बहुत आसान तरीका है इसको फिट करने का। तो दोस्तों आज देखिए कैसे फिट किया जाता है। तो दोस्तों हमने इसको बाहर निकाल लिए हैं जो कंपनी से पैक होके आया था। जहाँ पे हमको फिट करना है वहाँ पे हम इसको सेट कर दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चलिए इसको पहले खोल के देखते हैं। चलिए इसमें सामान रखने का बहुत अच्छा जगह दिया हुआ है, नीचे भी आप इसमें सामान रख सकते हैं, सुरक्षित सामान रहेगा इसमें आपका। ये आपका हो गया वॉश बेसिन जो कंपनी एक साथ में ही भेजता है दोनों को, और उसके साथ में मिलर भी भेजता है। देखिए कितना मस्त मिलर है, कंपनी ये साथ में ही देता है, तीनों एक साथ में आता है। इसको बाहर निकालते हैं प्लास्टिक से। तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, देखिए कितना फ्रेश आपको इसमें दिखाई दे रहा है, हर चीज़ इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपने देख रहे हैं कि हमने इंगल वाल्व दो इसमें कसे हुए हैं, एक हॉट वाटर है एक कूल वाटर के लिए है, यानी एक से आपका गर्म पानी और एक से ठंडा पानी आएगा, और बीच में जो देख रहे हैं वो आउटलेट पाइप का लाइन है। चलिए पहले हमने वॉश बेसिन में आप देख रहे हैं कि वेस्ट कपलिंग को हमने फिट कर चुके हैं, अब इसका नल को फिट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एक कनेक्शन पाइप हो गया, इसमें दो पीस है, और ये हमारा हो गया पिलर कॉक जो मिक्सचर नल है, टेबल मिक्सचर नल हो गया। इसमें आप तीन होल देख रहे हैं, इसमें दो होल में आपका कनेक्शन पाइप को कसा जाएगा, और ये आपका हो गया जाम जो चांद जैसा नट होता है इसका। चलिए कनेक्शन पाइप को हम बाहर निकालते हैं। हमने घुमा के इसको देख रहे हैं कि फ्री है कि जाम है। देखिए इसमें रिंग दिया हुआ है, फिर भी अपने विश्वास के लिए थोड़ा सा इसमें टेपलॉन टेप लगा लेंगे ताकि लीकेज होने का संभावना ख़त्म हो जाए। जैसे कि हमने टेपलॉन टेप थोड़ा सा यूज किए हैं, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेपलॉन टेप हमने इस्तेमाल किए हैं। और इसको हाथ के सहारे से ही आपको टाइट कर देना है अच्छी तरह से ताकि आपका लीकेज ना हो। अच्छे से टाइट हो गया, और उसके बाद दूसरा पीस वाला को टाइट करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।
देखिए ये आपका हो गया जाम नट, जिसे टाइट किया जाएगा नल को वाश बेसिन में। तो पहले हम इसको उसमें टाइट कर देंगे। इसमें आपका स्क्रू ड्राइवर से कसने के लिए भी सिस्टम दिया हुआ है। चलिए पहले हम वाश बेसिन में कनेक्शन पाइप को डालते हैं और नल को वहाँ पे बैठाएंगे। उसके बाद ब्लैक वाला जो चांद जैसा लब्बर है उसको लगाना है, जो स्टील का है चांद जैसा, इसको वहाँ पे फिट करेंगे ताकि आपका दोनों कनेक्शन पाइप को और ये जो जाम नट होता है उसको सेंटर में रखेगा। और इसी से उसके बाद उसके ऊपर से जो नट उसका आता है उसे टाइट कर देना है अच्छी से, हाथ से टाइट हो गया। और आपके पास तोता पिलास हो या पक्कर हो या तोता पिलास से इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं ताकि आपका नल हिलेगा नहीं। देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है। चलिए इसको अब हम जहाँ पे कैबिनेट को फिट किए हुए हैं उस पे रख के फिट करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है ये फिट करना। देखिए हमारा ये फिट हो चुका है। अब इसको हम कनेक्शन पाइप इसका कनेक्ट करेंगे एंगल कॉक में। तो थोड़ा सा हमको वाश बेसिन को आगे की तरफ खींचेंगे। देखिए अब हमारा ये दो कनेक्शन पाइप हैं, तो एक बाएं साइड वाले को गर्म वाले यानी गीजर वाले में कनेक्ट करेंगे। ये जो हम कस रहे हैं ये गर्म वाला है जो बाएं साइड में रहता है, और ये आपका हो गया ये टंकी का कनेक्शन जो दाएं साइड में रहता है। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका आउटलेट पानी का है, जो वेस्ट पानी जो आपका निकलेगा बेसिन का उसमें वेस्ट पाइप द्वारा कनेक्शन हो जाएगा। चलिए हमारा बेसिन फिट हो गया। अब शीशा को लगा रहे हैं, इसे मिनर कहा जाता है। चलिए बबल लेवल से हमने लेवल कर रहे हैं कि ताकि आपका सीधा दिखाई दे। चलिए हमारा लेवल हो गया। अब इसको कलम के सहारे उसको मार्का लगा लेते हैं ताकि आपका मार्का लगाने के बाद आपका जो अंदर में होल करेंगे वो सीधा आपका होल दिखाई देगा और शीशा लगाने में आपको अच्छा से शीशा सीधा लग जाएगा। चलिए अब पहले इसको पीछे का जो उसका होल है वो नाप कर लेते हैं। हमारा ये 4 इंची है ऊपर से और साइड से हमारा 2.5 इंची है, दोनों तरफ सेम है। चलिए हमने होल भी कर लिए हैं। अब देख रहे हैं ग्रिप, इसमें प्लास्टिक का जो ग्रिप रहता है 4 वो लगाए हुए हैं। चलिए इसको अब टांगते हैं ऊपर में। चलिए हमारा ऊपर में फिट हो गया। अब नीचे में आप देख रहे हैं 2 स्क्रू कसेंगे ताकि आपका जो मिलर है कभी बाहर नहीं आएगा, कितना ही हवा बहेगा तो हिलेगा नहीं। देखिए हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है, आप देख रहे हैं दोस्तों ये हमारा फाइनल हो चुका है। चलिए पानी चेक करते हैं। पानी चालू हो गया, बाएं साइड में पानी नहीं आएगा ताकि अभी गीजर नहीं लगा हुआ है, और दाहिने साइड पानी आपका आएगा। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।